सी इज दैट व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार, ठीक है जी। वी स्टार्टेड फ्रॉम इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स बेसिक्स, देन वी डिड लाइक वी टॉक्ड अबाउट प्लानिंग कमीशन, वी सॉ व्हाट विजन 2025 वाज, देन वी टॉक्ड अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट इज कैश फ्लो, व्हाट इज इनफ्लो, व्हाट इज आउटफ्लो, व्हाट इज कैश फ्लो डायग्राम, व्हाट इज नेट कैश फ्लो डायग्राम, वी सॉल्व सम एग्जाम्पल्स, सम प्रॉब्लम्स, देन वी वेंट एंड लाइक वी डिड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड वी ऑल्सो सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। जो आखिर में आपको दो चीजें रेड में नजर आ रही हैं, वन इज एनुअल परसेंटेज रेट और एनुअल परसेंटेज यील्ड। ये जो है ये टॉपिक आपका मिस हुआ था, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी तरह डिफरेंट फैक्टर्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट जो है ये भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। टुडे व्हाट वी विल बी डूइंग इज द अप्रूवल प्रोसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान, जो कि आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं इस वक्त। एक मिनट जरा मैं ये लोगों को ऐड करूं, लोग क्लास आ रहे हैं। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी स्टडिंग टुडे, द अप्रूवल प्रोसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। दिस इज वीक 7। अगला वीक जो है आपका मिड टर्म से पहले लास्ट वीक है, यानी वीक 8 इज योर लास्ट वीक, फिर उसके बाद आपका मिड टर्म एग्जाम होगा। सो कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक, इन पाकिस्तान आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, अप्रेजल, अप्रूवल, implementation, monitoring and evaluation of development projects is carried out by various ministries, autonomous bodies and departments, both at the federal as well as the provincial level. यानी फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे जब भी आप कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करते हो तो वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं जो कि उन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब वही बात है जो हमने की थी कि दे आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए वो एक प्रोजेक्ट को एज अ सोल्यूशन प्रोपोज करते हैं। इसी तरह फॉर्मुलेशन मतलब प्रोजेक्ट कैसा होगा, उसके बारे में जो कुछ चीजें बनाना बनाना है वो भी या तो फेडरल या प्रोविंशियल लेवल पे किसी इदारे का काम होता है या किसी मिनिस्ट्री वगैरह का काम होता है। देन कम्स अप्रेजल। अप्रेजल बेसिकली मीन्स किसी भी चीज का जायजा लेना, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट है उसको देखना कि यार ये ठीक है नहीं है, उसका जायजा लेना, दैट इज एक्चुअली अप्रेजल। तो वो भी कोई ना कोई मिनिस्ट्री या कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। सिमिलरली फिर आपका अप्रूवल, प्रोजेक्ट अप्रूव करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी मॉनिटरिंग और फिर इवेल्युएशन। इवेल्युएशन बेसिकली मीन्स जब प्रोजेक्ट आप कर लो उसके बाद आप उसकी इवेल्युएशन करो कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हम अचीव करना चाह रहे थे, वो हम अचीव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जब प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज या ऑटोनोमस बॉडीज ये काम करती हैं, तो वेरियस फोरम्स हैव आल्सो बीन सेट अप बाय वेरियस बाय द गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट्स बोथ एट द प्रोविंशियल एंड फेडरल लेवल, एंड सर्टन फाइनेंशियल पावर हैज आल्सो बीन डेलीगेटेड टू दोस फोरम्स। जब हमने कहा कि फेडरल और प्रोविंशियल लेवल में मिनिस्ट्रीज वगैरह या आपकी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई भी करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, अब उनके लिए मतलब इस काम को करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फोरम्स बनाए हैं, कुछ और मतलब सेक्शंस या इदारे के लो बनाए हुए हैं, फोरम्स बनाए हैं, और उन सबको फाइनेंशियल पावर भी दी है, यानी उनके पास एक लिमिट तक है अप्रूवल की इजाज़त। अभी हम आगे देखेंगे कि इसकी क्या मतलब है। अब फोरम्स के नाम क्या हैं जो आपको रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज एक्निक, ECNEC, एक्निक। द सेकेंड वन इज CDWP, द थर्ड वन इज DDWP एंड द लास्ट वन इज PDWP। अब एक्निक जो है इट इज नोन एज एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। CDWP इज नोन एज सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। DDWP को हम डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी कहते हैं, एंड देन यू हैव PDWP विच इज नोन एज प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। जिस हायरार्की में ये आपको शो हुए हुए हैं ये इसी हायरार्की में होते हैं, आगे हम अब देखेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आज हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट करना चाहती है
तो उसका अप्रूवल प्रोसेस क्या है, कैसे वो प्रोजेक्ट अप्रूव होता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने दे अमीर बाशा डैम बनाना है, तो हुकूमत कैसे उसको मतलब वो करेगी, एंडोर्स करेगी कि हाँ हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं, और उसका अप्रूवल कैसे देगी। तो आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ यू हैव डिफरेंट फोरम्स जो हमने लास्ट स्लाइड पे बात की। ऑन द लेफ्ट यहाँ पे आप लोग अगर देखो, दिस इज द अप्रूवल फोरम एंड बीनीथ इट यू कैन सी DDWP। ये पहला फोरम था, ठीक है। नाउ अप्रूवल पावर, कि ये DDWP जो फोरम है इसकी अप्रूवल पावर क्या है, ये कितने तक जो प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव कर सकती है। तो अप्रूवल पावर इन मिलियन रुपीस की बात हम कर रहे हैं। सो ये रुपीस 2000 मिलियन जो आपको रेड में फिगर नजर आ रहा है, सिर्फ उसको देखो, रुपीस 2000 मिलियन और 2 बिलियन जो कॉमा है उसके बाद 3 जीरो, इसका मतलब ये हो गया कि ये रुपीस 2 बिलियन हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 बिलियन तक का प्रोजेक्ट हो तो उसको अप्रूव कौन कर सकते हैं, DDWP उसको अप्रूव कर सकते हैं। इसी तरह द नेक्स्ट वन इज CDWP विच वॉज सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी। अगर प्रोजेक्ट आपका 10 बिलियन तक हो, 2 बिलियन से बड़ा हो और 10 बिलियन से कम हो, तो वो CDWP जो है उसको एक्सेप्ट करती है। एक मिनट, अच्छा समवन इज ट्राइंग टू कम टू द क्लास, उसको हम ऐड कर लेते हैं। Am I audible here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक, थैंक यू। सही है जी। अच्छा, नाउ कमिंग बैक, वी वर टॉकिंग अबाउट द CDWP एंड वी सेड दैट इट्स अप्रूवल पावर, और अप्रूवल पावर जो उसकी है वो ग्रेटर देन 2 बिलियन एंड लेस देन 10 बिलियन है, ठीक है। देन कमिंग टूवर्ड्स एक्निक, अगर प्रोजेक्ट 10 बिलियन से भी ज्यादा हो, अबव रुपीज 10 बिलियन और 10,000 मिलियन, तो उसकी अप्रूवल कौन देगा, एक्निक जो है वो उसको अप्रूव कर सकता है। अब इस सेक्शन में इधर लास्ट कॉलम में आपको कॉम्पोजिशन बताई हुई है कि DDWP में कौन होता है, इट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। जिस मिनिस्ट्री का भी प्रोजेक्ट हो तो उसका जो सेक्रेटरी होता है कंसर्न मिनिस्ट्री का, वो उसको हेड करता है। एंड यू ऑल्सो हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस डिविजन एज मेंबर्स ऑफ दिस DDWP। इसी तरह CDWP में इट इज हेडेड बाय द डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, डिप्टी चेयरमैन DCPC मैंने लिखे, विद सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन। देन यू हैव मतलब यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन था, यहाँ पे एडिशनली असिस्टेंट चेयरमैन, डेवलपमेंट ऑफ प्रोविंसेस, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइनेंस, EAD जो आपके पास है, EAD बेसिकली मींस इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, एंड कंसर्न मिनिस्ट्रीज जो है, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज है उन सब के मेंबर्स आपके पास होते हैं, ठीक है। देन एक्निक, इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्रोविंसेस एंड कंसर्न मिनिस्ट्रीज एज मेंबर्स। और आखिर में आपके पास कॉरपोरेट DWP होती है जिसके पास एक्निक की पावर्स ही होती हैं, बट इट इज हेडेड बाय द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्लानिंग एंड फाइनेंस एज मेंबर्स। इसमें इस स्लाइड में यू डोंट नीड टू मेमोराइज ऑल दिस कॉम्पोजिशन, ऑल्दो यू नीड टू नो दैट व्हाट आर द अप्रूवल फोरम्स जैसे DDWP, CDWP एंड एक्निक, और उनकी अप्रूवल पावर क्या है, जैसे रुपीज 2 बिलियन, रुपीज 10 बिलियन एंड अबव रुपीज 10 बिलियन। आई गेस वी डिस्कस दिस इन द लास्ट क्लास।